guys, what's up? Welcome to a vlog after such a long time. बहुत time के बाद vlog कर रही हूँ. I just don't feel comfortable vlogging, but मैंने कहा कि नहीं, फिर से हम कोशिश करके देखते हैं एंड इस बार हम फतह हासिल करके रहेंगे. जी नहीं, एक्चुअली द थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग ऑन अ ऑल गर्ल्स ट्रिप एंड सो आज वी आर गोइंग टुमारो और आज हम कर रहे हैं अपनी पैकिंग एंड सम लास्ट मिनट वर्क्स. एज यू कैन सी मेरे फेस पे भी, मतलब मैंने मेकअप करना जो स्टार्ट किया है. सो द थिंग इज़ दैट मेरे को दो वीडियो शूट करके जाना है. दीज आर द फाइनल वीडियोज़ सो दैट अभी ट्रिप पे जब मैं हूँ तो पीछे से अंशिका विल एडिट एंड आई कैन जस्ट रिव्यू एंड जो भी काम है वो हो जाएगा. सो द बैड थिंग इज मेरी भी तबीयत ख़राब है और इसको भी बुखार आ गया है. एंड ऋतिक छुट्टी पर गया हुआ है, उसकी भी तबीयत ख़राब थी और मनीष भी आज छुट्टी पर है. सो मेरे दिल में से धक 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 हो रही है क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी गुड ट्रैवलर. आई जस्ट फील वेरी एंग्शियस एंड नर्वस जब मैं ट्रैवल करती हूँ एंड आफ्टर, लाइक अगर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसे बहुत दिनों बाद जब ट्रैवल करो ना तो मेरा दिल सच में इतनी ज़ोरों से धड़क रहा है. सुबह भी जब मैं घर से बाहर निकल रही थी ना तो निकलते मुझे वॉमिट आ गई. दैट एंग्शियस आई एम. द थिंग इज़ दैट अभी शूट रैप अप करना है और उसके बाद जो है आई हैव टू गेट माई हेयर कलर्ड. आई डोंट नो इफ आई विल गेट दैट कलर्ड और नॉट. उसके बाद जो है मुझे घर जाना है, पैकिंग करनी है, डुगू को पढ़ाना है बिकॉज 26 से डुगू के एग्जाम्स हैं और सोशल स्टडीज़ का है जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वैसे तो हो गया है, सिलेबस रिविजन कराना है, बट ठीक है ना, टेंशन तो होती ही है ना, तो वो है. लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. आई होप यू स्टे बाय एंड काफ़ी सारे व्लॉग्स अभी आपको देखने को मिलेंगे बैक टू बैक क्योंकि आई विल बी व्लॉगिंग द एंटायर ट्रिप एंड एवरीथिंग. ओके सो हेलो. तो चलो फटाफट से अभी मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ, शूट रैप अप कर लेते हैं, फिर इसको छुट्टी करती हूँ मैं इसकी. ये जाए बेचारी, देखो बेचारी के ते उतरी हुई है और हमारा भी काम कुछ भी सेटअप नहीं हुआ है. अंशिका जल्दी करना पड़ेगा. हालत देखो आप मेरे सेटअप की. ये हमारा रूम है जिसमें एक डबल बेड पड़ा हुआ है. इस डबल बेड को हटाना है जिससे कि हम शूट करने के लिए जगह मिल सके. मेकअप डन, नॉट बैड ऑनेस्टली. अंधेरे में किया है मैंने, लाइट वाइट आ नहीं रही आज, अभी भी रिचार्ज हुआ है एंड इट लुक्स नाइस, आई लाइक इट. रेडी फॉर द शूट, लेट्स गो. सामान मैंने रख लिया है ऑलमोस्ट सारा कुछ, अगर कुछ रह जाएगा तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते. हेलो गाइस, मेकअप स्किन केयर पैक अटैची लेकर के मैं जा रही हूँ घर. पहले जाऊँगी सैलून, बाल कलर कराने हैं, आई अपर लिप ठीक कराना है एंड बस दैट्स इट. उसके बाद पहुँचेंगे घर, घर पर जाके करेंगे पैकिंग और डुगू को पढ़ाएंगे. चलो लेट्स गो. शूटिंग हमने कर लिया है आज, जैसे तैसे करके हम दोनों ने काम आज निपटा ही लिया. चाबी नहीं लेना हमने, एक मैं चेक कर लूँ दो चाबी है. गाड़ी की चाबी, मेरे को बैग भी चेंज करना है. पता कैसी हालत हो रही है मेरे बैग की, कोई कहेगा कि ये देखना जरा, गरीब हो गया एकदम ही गरीब. चल आ जाओ. चल परफ्यूम और डियो तो रखे नहीं मैंने. परफ्यूम पता नहीं कितना भी कुछ कर लो, सब कुछ एकदम लास्ट मिनट पे आकर के टपक पड़ता है. होपफुली आई थिंक काम तो सारा निपट गया है, अब लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा बस मुझे ये साथ. तुम क्या करोगी छुट्टी में? एडिटिंग. बहुत सारा शूट करके रखा है, थोड़ा सा ऋतिक को पकड़ा देना. रोड्स
पे कलर हो गया है। अब लेंस की बारी, तो लेंस पे हम थोड़ा सा लाइट कलर करेंगे रूट्स के कंपेरिशन में, एंड हाफ एन आवर लगेगा। टाइम नहीं है मेरे पास, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है। डन, पहले बिखरवा लिया मैंने दोस्ती टू थिंग्स वालों, बहुत जोर से सुसू आ रही है। मैं घर आ गई, ये रहा मेरा सामान सारा, इधर सूटकेस, खाली सूटकेस, बस अब पैकिंग करनी है फटाफट से और टुकू को पढ़ाना है, टू थिंग्स टू बी डन। पैक करने के लिए हमारी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। हो गया सब सिविक्स तैयार? चलो फिर इसके बाद अब इंग्लिश हो गया। इंग्लिश हो गया, थोड़ा सा बच्चा है। चलो फिर अब इंग्लिश बंद करके हिस्ट्री सिविक्स करें। चलो लेट्स डू। क्या हुआ? बाय बाय, सो सैड, थक गए, पढ़ते क्यों सोए थे? चलो, मेरे बहुत सारे कपड़े आयरन्ड भी नहीं हैं, सो इसलिए फटाफट से मैं अभी प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद पैकिंग करूँगी। डुबू का एक चैप्टर हमने करवा दिया है, तब तक वो क्वेश्चन आंसर्स देख रहा है, तब तक मैं फटाफट से प्रेस कर देती हूँ। एवरी सेकेंड काउंट्स। ये ना बहुत ही सुंदर जंपसूट है, अनिता गिफ्टेड मी अवाइल अगो, लाइक मेरे लास्ट बर्थडे के लिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो आई एम कीपिंग दिस जस्ट इन केस वी गो आउट फॉर सम पार्टी समवेयर। ऑल्सो बाय द वे, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर अनिंदिताज प्री बर्थडे पार्टी, तो उसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। इशिता से मुझे बात करनी है, तो वो भी प्लानिंग करनी है। बट येस, दिस जम्प सूट इज़ टू गुड, इट्स फ्रॉम ओनली बाय द वे, एंड आई लव हाउ इट लुक्स ऑन मी। इसको पहन के मैं इतनी सही फिट आता है ना, इसका फिट जो है वो बहुत सुंदर है। क्या खा रहे हो तुम? चलो बस, अपना अपना लेके निकल लिया है। उधर 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 उस कमरे में हम भी खाएंगे फ्रेंच फ्राइज, उधर चलो। सो वी ऑर्डर्ड सम बर्गर एंड सम फ्राइज, वो डिब्बी लेके चला गया। लेट्स पैक द बैग नाउ। मैं सोचा था मैं सिर्फ चार आउटफिट्स रखूंगी, बट आई थिंक आई एम कीपिंग मोर देन फोर। लेट्स डू दिस। यूजली मैं इसको ज़मीन पे रख के पैक करती, बट बिकॉज मेरे घुटने में प्रॉब्लम है ना, आई कैन नॉट सेट डाउन एंड पैक माई बैग्स, इसलिए मैं किचन के काउंटर पे रख करके इसको पैक कर रही हूँ। तो लेट्स पैक द क्लोथ्स दैट आई विल बी वेयरिंग देयर। एक बार मैं काउंटिंग भी कर लूँगी कितने आउटफिट्स हो रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू और थ्री आउटफिट्स वहाँ के लिए, एक आउटफिट जाने के लिए, एक आउटफिट आने के लिए और नाइट सूट। दैट्स वॉट वी आर पैकिंग। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता मैं क्या पैक करने वाली हूँ, वो वहाँ जाके जब पहनने की बारी आती है ना, तब पता चलता है कि अच्छा क्या रख के लाए हो, क्या रख के नहीं लाए हो। दिस इज ए रियली क्यूट येलो ड्रेस, आई एम श्योर ये तो मैं वहाँ जरूर पहनूंगी। Then we have some cover-ups. बहुत ही प्यारी ब्लैक ड्रेस है, आई एम नॉट श्योर इफ आई बी वेयरिंग इट देयर और नॉट, बट आई एम जस्ट कीपिंग इट कि शायद मैं पहन ली। एंड आई हैव सम स्विम वेयर जो कि मैं ऐसी रख रही हूँ। एंड आई हैव दिस शर्ट जो बिल्कुल मैंने आयरन करी, एंड दिस डेनिम, दिस आई एम थिंकिंग ये डेनिम, ये वाली डेनिम मैं सुबह पहन लूँगी, जाने वक्त, आते वक्त के लिए डेनिम नहीं रखूँगी, सिर्फ
टी शर्ट कुछ रख लेंगे, इतना मजा के फिर से प्रेस कर लेंगे। आई एम नॉट श्योर बट आई शुड कीप ब्लू और पर्पल। ये मुझे लग रहा है ये टॉप मुझे आएगा नहीं, इट्स अ लिटिल स्मॉल, आई एम नॉट श्योर, आ भी सकता है ये, कुछ कह नहीं सकते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आ भी सकता है और नहीं भी। आई थिंक आई कीप पर्पल, आई थिंक आई कीप पर्पल। एंड लास्टली माई ब्यूटिफुल जंप सूट, अरे मुझे लगा नहीं था इसमें सारा सामान आ जाएगा बट इसमें काफ़ी सामान आ गया है, अभी और भी स्पेस है हमारे पास, मेरे पास थोड़ा सा और है कुछ आइटम्स तो वो मैं और लेकर आती हूँ एंड देन आई थिंक क्लोदिंग पार्ट इज डन। बैग वन इज़ डन, नाउ आई वॉन्ट अ स्मॉल कैरी बैग अपने हाथ के लिए एंड अ लैपटॉप बैग, मतलब हाथ में है, आई विल हैव थ्री बैग्स, नहीं इसी में रखना पड़ेगा मुझे सब कुछ। सो ये वाला बैग हो गया है एंड आई स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस, मुझे अभी इसमें शूज़ रखने हैं, लाइक शूज़ पहन जाऊँगी, चप्पल और एक सैंडल्स रखनी है जो कि इस बैग के अंदर है। आई कैन नॉट कैरी दिस, आई वॉन्ट टू कैरी दिस बट आई कॉन्ट कैरी दिस, क्योंकि हाथ में मेरा हैंड बैग भी होगा और मेरा लैपटॉप बैग भी होगा, इसलिए आई डोंट वांट टू कैरी टू मेनी थिंग्स अपने हैंड बैग में, लाइक हाथ में लैपटॉप बैग एज इट इज़ बहुत भारी हो जाता है एंड हैंड बैग में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई जाती हैं, तो आई विल कीप माई स्किन केयर सारा का सारा हैंड बैग में एंड हम शूज़ और चप्पल जो है वो इसमें रखते हैं बस। बट जस्ट लुक एट हाउ क्यूट दिस स्मॉल लिटिल बैग इज़। डीजा पे चप्पल है गॉडीज पर मीशो, वाइट कलर की है तो ये मैं रखने वाली हूँ इसमें, एक्चुअली नीचे भी जगह है काफ़ी। अपने क्रॉक्स में सुबह यहाँ से डाल दूँगी, हो गई है लोगों को तो पढ़ा रही हूँ, अभी मैं एक्चुअली शॉप पे जा रही हूँ, आज का सब किताब और देती हूँ शॉप का, फिर चार दिन तो वैसे भी नहीं देख पाऊँगी और मुझे एक दो चीज़ें भी लेनी हैं तो वो भी मैं जल्दी से खरीद लेती हूँ। 11:30 बज चुका है, लुगु का ऑलमोस्ट डन हो गया है, बाकी अब आशू देख लेंगे कल, और मेरी भी थोड़ी सी पैकिंग बची हुई है, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है, बैग मुझे जैसे कि चेंज करना है अपना, ये तो एक दो दो चार चीज़ें हैं ये मैं फटाफट से भी कर लेती हूँ एंड उसके बाद हम सोएगा बिकॉज़ सुबह 4 बजे उठना है।